खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ ने सीधे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो हल्ला बोला है, क्या वो इतना आसान है? क्या इस पूरे अभियान में वो पाकिस्तानी सेना के सत्ता पर असर, पकड़ और दखलंदाजी की ताकत को खत्म कर पाएंगे? क्यों लोग ये मानते हैं कि इमरान खान कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो शायद पाकिस्तान सेना के हुक्मरानों को हिला भी नहीं पाएंगे? इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब इमरान खान की हकीकी आजादी मार्च है। इस लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान पाकिस्तान की शहबाज सरकार को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वैसे ये तो करीब करीब हर कोई मान रहा है कि पाकिस्तान में अगले चुनाव जब भी होंगे उसमें इमरान खान को रोक पाना मुश्किल होगा। वो अगले चुनाव में और बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि इमरान फिलहाल पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें चुनौती देने वाला फिलहाल पाकिस्तान में कोई और नजर नहीं आता। और इसकी कुदरत के बगैर हम इसे कब्जे में करने वाले न थे, बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। जो भी कोई हमारे माजी में झूठ बोलता रहा है कि मैं एशियन टाइगर बना दूंगा या मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, ये नहीं बन सकती जब तक इंसाफ नहीं होगा। तो सोचे कि पाकिस्तान किधर है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? हम दुनिया के अंदर 129 नंबर पे हैं, 129 नंबर पे पाकिस्तान है इंसाफ के इंडेक्स के ऊपर। वो मुल्क जो बना था इस्लाम के नाम पे और इस्लाम की, इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई थी अदल और इंसाफ पे, तो आज हम दुनिया में उस नंबर पे हैं, तो फिर कैसे समझते हैं कि खुशहाली आएगी? इमरान खान अकेले ऐसे नेता हैं जो इन दिनों लगातार पाकिस्तानी सेना को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में एक रैली के दौरान उन पर 4 गोलियां चलाई गई, लेकिन वो बच गए। इसके बाद भी वो पाकिस्तानी सेना के एक आला अफसर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद इस मामले में FIR लिखी जरूर गई, लेकिन वैसे नहीं जिस तरह से इमरान चाहते थे। हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और कानून की हुक्मरानी खुशहाली नहीं लेके आएगी, वो लोगों को आजाद भी करेगा। जो हम हकीकी आजादी की बात करते हैं कि अगर मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी का सरबरा, अगर मैं अपनी FIR रजिस्टर नहीं करवा सकता, मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, मुझे पता किसने किया है, तहकीकात में हो सकता है साबित हो कि वो नहीं है लोग, लेकिन ये तो मेरा हक है, आईन मुझे ये हक देता है कि मैं उनकी निशानदेही करूं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। FIR में केवल हमलावर नवीद खान का नाम दर्ज किया गया है, लेकिन इमरान ने हमले के बाद ISI के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर पर आरोप लगाया है, लेकिन उनका नाम वे FIR में दर्ज नहीं करा पाए। जबकि एक जमाना था जब कहा जाता था कि इमरान खान सेना की पसंद थे, तभी वो पाकिस्तान में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ पाए, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इमरान खान जितने पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस रहे उससे वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इमरान खान के पास एक छवि है, वो हीरो है पाकिस्तान का, वो वर्ल्ड कप जीत के लाया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल नेता लीडर नहीं है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो इस तरह की पाकिस्तान की छवि बढ़ाया है, तो प्लस पॉइंट ये है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वो आवाम को एक संदेश देने में, कन्विंस करने में सफल हो गया है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, और षड्यंत्र के तहत
प्रजातंत्र को खतरे में डाला गया, उसको कुर्सी से हटाया गया। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा से अनबन के बाद इमरान को ऐसे सियासी अड़चनों का शिकार होना पड़ा जिसमें उनकी गद्दी ही नहीं बल्कि उन्हें तमाम आरोपों में फंसाकर चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया। इसके खिलाफ सेना को निशाने पर रखते हुए जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उन्हें लगातार सेना की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। जाहिर है कि इमरान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा के बीच ठनी है। इमरान जब प्रधानमंत्री थे तब वो बाजवा को सेवा विस्तार नहीं देना चाहते थे बल्कि अपने किसी चहेते अफसर को सेना प्रमुख के पद पर लाना चाहते थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली, यानी बाजवा को सेवा विस्तार तो मिला ही लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इमरान खान जब बोलता है यदि मैं मुंह खोलूंगा तो लोग मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा, वो तो किस आधार पर यह बात बोल रहा है? वो तो इस आधार पर बोल रहा है कि वो पाकिस्तान आर्मी के जनरल तो अयाशी में बिलीव करते हैं, मौज करते हैं। कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत जितना पैसा आया उसका मैक्सिमम दुरुपयोग होता है आर्मी जनरल्स के द्वारा या आतंकवादियों को पैसा जाता है, आवाम का तो कुछ भला नहीं होता। और इसीलिए बेरोजगारी है, भुखमरी है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है। तो इमरान खान कहीं ना कहीं जो पहले कभी नहीं पाकिस्तान के इतिहास में हुआ वो कर रहा है। अभी भी बाजवा से इमरान के रिश्ते बहुत तल्ख हैं। बाजवा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पद पर काबिज रहना चाहते हैं और अगर इमरान ने सेना के खिलाफ जारी रखी तो संभव है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए और फिर देश में सेना का राज देखना पड़े। पिछले कुछ दशकों में लगातार देखा गया है कि पाकिस्तान की असली चाबी तो सेना के ही पास है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसके सामने कठपुतली की तरह ही काम करते हैं। अगर सेना से उनकी जरा भी खटकी तो उन्हें गद्दी से हाथ धोते देर नहीं लगती। पाकिस्तान की आजादी को भी उतने ही साल हुए हैं जितने भारत को, लेकिन पाकिस्तान में आधे समय तक सत्ता पर सेना ही काबिज रही है। कि ये जो लंदन में फैसला हो रहा है, दो अहम फैसले कर रहे हैं, क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। तो मैं फिर से आज सारी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये नामुमकिन है किसी का तसव्वुर करना कि एक मफरूर, एक सजाए याफ्ता आदमी मुल्क के इतने अहम फैसले करेगा। ये किसी मुहज्जब माशरे में नहीं होता। और सबसे उससे भी बड़ी बात कि जो शबाशरी प्राइम मिनिस्टर है, क्या इसे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? पाकिस्तान में पहली बार सेना ने 1958 में तख्ता पलट किया था, तब इम्तियाज मिर्जा राष्ट्रपति थे। जनरल अयूब ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका, देश में मार्शल लॉ ला दिया गया और ये करीब 44 महीने चलता रहा। इसके हटने के बाद भी 1969 तक अयूब सत्ता में तो बने ही रहे, उसके बाद उन्होंने जनरल याह्या खान को सत्ता सौंप दी। याह्या खान तभी हटे जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को न केवल भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा बल्कि बांग्लादेश वाले हिस्से को भी गंवाना पड़ा। तब पाकिस्तान में चुनाव कराए गए और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना की ताकत बढ़ती गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस जियाउल हक को सैन्य प्रमुख बनाया उसी ने उन्हें पद से बेदखल कर सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर सैन्य तरीके से सत्ता को मुट्ठी में ले लिया और वो 2008 तक सत्ता में बने रहे। कोई भी आर्मी यदि पाकिस्तान की जनता इमरान खान के साथ है और जनरल बाजवा ये समझते हैं या पाकिस्तान का जो अगला चीफ होगा ये समझता है कि आवाम इमरान खान के साथ है, तो किसी आर्मी की हिम्मत नहीं है कि वो आवाम पे गोली चलाए और
मर्सिलेसली उसको मारे। तो पाकिस्तान आर्मी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो भुट्टो की तरह उसको अरेस्ट करके या एक्सीडेंट में मरवा दो, या साजिश की तरह मरवा दो, या उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करोगे तो भी समस्या खत्म नहीं होती है, आवाम ऑलरेडी रैली कर रही है और रावलपिंडी आ रही है। तो एक पाकिस्तान ने तो जिन को बॉटल से निकाला, वो जिन अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो मास्टर को बोल रहा है कि अब तू बिहेव कर, मेरे इशारों पे तू नाच। पाकिस्तान के पुलिस से लेकर सभी अहम महकमों पर सेना का असर है, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी उनके दबाव में रहती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में बेशक लोकतंत्र का नाटक होता रहे, लेकिन सत्ता को चलाने का काम सेना ही करती है, और सेना के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तय होते हैं। सत्ता में इतने समय तक रहने के बाद सेना को सत्ता का स्वाद लग चुका है और अपनी ताकत का एहसास भी हो चुका है। पाकिस्तानी सेना अब इतनी निरंकुश हो चुकी है कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री या आला नेता उनके खिलाफ खुद को बेहद कमजोर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर लाहौर से शहबाज शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इमरान खान का आजादी मार्च अब राजधानी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इमरान खान अपने ऊपर हुए हमले के बाद से घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की अगुवाई में आजादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये फर्क है, कोई बुझ रहा है और कोई जल रहा है। ये गरीबों के गुलाम, ये पाकिस्तान के डाकू, क्या आप इनको अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे? पाकिस्तानी संसद में अविश्वास वोट में हार के बाद से ही शहबाज शरीफ सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इमरान खान अपने हकीकी आजादी मार्च में शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। किस मुल्क की क्यादत कौन करेगा? और उनका मकसद पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाकर देश में जल्दी चुनाव कराना है। जितनी देर ये खींचते जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्योंकि वो जो लंदन में बैठा हुआ मुजरिम है, वो डरा हुआ इलेक्शन से, और वो अपने आप को बचाने के लिए वो मुल्क को दाव पे लगा रहा है, हमारे मुस्तकबिल को दाव पे लगा रहा है। और ये वक्त है कि हम सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि इसमें शिरकत करें। देखिए, इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार को इमरान के लॉन्ग मार्च से बड़ी चुनौती और खतरे का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा शरीफ सरकार ने भी इमरान को बैकफुट पर लाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। तीन साढ़े तीन साल जो है एक लंबी करप्शन की दास्तान है, आप भी जानते हैं। इस हाउस में लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथी जो बैठे हुए हैं, राकीन जो बैठे हुए हैं इस हाउस में, उस सारी दास्तान को जानते हैं। यहां पे बाहर के मुल्कों से मिलने वाले जो तहाइफ थे, घड़ियां जो थी, वैल्यूएबल कीमती घड़ियां गायब कर ली गई और उसकी जगह फेक घड़ियां रख दी, जाली घड़ियां, उस तरह की उनकी नकली घड़ियां रख दी गई। इमरान खान वजीराबाद में हुए जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए, हालांकि वो गोली लगने से घायल हो गए थे, लेकिन लॉन्ग मार्च से जुड़े अपने समर्थकों का रोजाना वीडियो लिंक के जरिए वो हौसला अफजाई करते रहते हैं। झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ है लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है, और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इस शख्स को ना रिश्तों की पहचान थी, ना अपनी जबान की पहचान है।
उसने ऐसे ऐसी रस्में ऐसी ऐसी रवायात को जन्म दिया हमारे माशरे के अंदर जिसके जिनको देख के भी जिनको सोच के भी इंसान का सर जो है शर्म से झुक जाता है कि हादसात जो है इस मुल्क में इस मुल्क की सियासत में ऐसे हादसात आए हैं कि इस शख्स को इख्तदार मिल गया और 3.5 साल जो है वो भुला के कहता है DGISI को कहता है कि ये मेरे सारे मुखालफों को अंदर करो। जनाब जब बेटी के और बहन के रिश्ते का को जो जो, जो शख्स एहतराम ना कर सके। इमरान खान ने अपने इस लॉन्ग मार्च को असली आजादी नाम दिया। इमरान का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ इस्लामाबाद कूच करें। इमरान का कहना है कि पिछले आजादी मार्च से उन्होंने सबक सीखा है और इस बार वो उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार और सेना के विरोध के बावजूद इमरान खान और उनके समर्थक इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए। हालांकि इमरान इससे पहले ही लॉन्ग मार्च का जोरदार तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सत्ता के शिखर तक पहुंच चुके हैं। उनका इरादा एक बार फिर से इस इतिहास को दोहराने का है। इमरान खान लॉन्ग मार्च निकालने के लिए ही जाने जाते रहे हैं। वो लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर धरना देने के लिए तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उनकी मांगे मान नहीं ली जाती। इमरान खान का ये दाव कई बार सफल रहा है, वहीं कई बार ये असफल भी रहा है। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने ऐलान किया है कि अगर किसी ने कानून को तोड़ने की कोशिश की तो उसे कड़ाई से कुचल दिया जाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इमरान खान के इस आजादी मार्च के दौरान ऐसा टकराव हो सकता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में सियासत को लेकर ऐसा घमासान मचा हुआ है कि देश लगातार गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। इमरान खान और शरीफ बंधुओं के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है और सेना सत्ता के संघर्ष के इस खेल को बेहद करीब से देख रही है। इमरान खान ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर सेना ने इमरान की चौतरफा घेराबंदी कर दी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद से बेचैन इमरान खान देश में जल्द चुनाव चाहते हैं। इसी ख्वाहिश को लेकर वो लाहौर से इस्लामाबाद तक आजादी मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि इमरान का पहला लॉन्ग मार्च तो नाकाम हो गया था लेकिन इस बार इमरान के मंसूबे सातवें आसमान पर हैं। इमरान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर गठबंधन पार्टियों पर आरोपों की झड़ी लगा दी। नवाज बंधु से लेकर भुट्टो परिवार और पाकिस्तान की सेना इमरान के निशाने पर रही। कि क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ईमानदार हैं? अपने बच्चों से पूछें, अपने घर वालों से पूछें कि क्या तुम गवाही दे सकते हो कि ये जो 2-3 साल से मुल्क को लूट रहे हैं ये दो खानदान, पूछें इनसे, अपने बच्चों से पूछें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये दो खानदान ईमानदार हैं? सेना के तल्ख तेवर की भी इमरान ने परवाह नहीं की और अपने ऊपर हुए हमले को लेकर सेना के एक सीनियर अफसर पर सवाल उठा दिया। इससे साफ है कि पाकिस्तान में आर पार की जंग शुरू हो गई है
और शहबाज सरकार को चुनौती देने के लिए इमरान हर पैतरा आजमा रहे हैं। इमरान खान पर 3 नवंबर को जानलेवा हमला हुआ और इसके 2 दिन तक चुप्पी साधने वाले शहबाज शरीफ भी खुलकर सामने आ गए। प्रधानमंत्री शहबाज को ये इल्म हो गया कि उनके चुप्पी से इमरान के आरोपों को ताकत मिलेगी, इसलिए शहबाज शरीफ ने इमरान के खिलाफ इस्तीफे वाला दाव चल दिया। तो मैं आज कहता हूं फिर कि मुझे एक सेकंड रहने का हक नहीं कि खुदा ना खास्ता इस साजिश में दूर दूर तक मेरा कोई रत्ती बराबर भी या उनका हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या जो फौजी अफसर हैं उन तीनों ने कि हमने साजिश की, दूर दूर तक अगर साजिश का कोई हल्का सा साया सबूत नहीं सबूत भी आ जाए तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं हमेशा के लिए न सिर्फ सियासत छोड़ दूंगा जिस तरह मैंने माजी में उन इल्जामात के बारे में कहा और अल्लाह ताला ने आज तक मेरी लाज रखी है इस गुनाहगार की इस कमजोर खताकार की। तो मैं आज समझता हूं कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद का यह तकाजा है। शहबाज शरीफ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से स्वतंत्र जांच आयोग का गठन करने को कहा जो इमरान के उन आरोपों की जांच करे कि उनकी हत्या की साजिश में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना का एक सीनियर अफसर शामिल था। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान में फिर गृह युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा, तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।